हाँ साहब, आप बहुत क्लोज रहे जियाउल हक साहब के साथ, फिर उनका जहाज क्रैश हो गया। कौन सी ताकत पर ब्लेम ज्यादा डाला जा सकता है इस वाकये की जिम्मेदारी का? अमेरिकन। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती फैसला, कुछ लोग कहते हैं फौज ने मारा। जुल्फिकार अली भुट्टो आइडियल आदमी था पाकिस्तान की ऊपर हुकूमत करने के लिए। जियाउल हक और बाकी सीनियर जनरल वो सब मीटिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने मीटिंग में कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो, इफ यू कांट कंट्रोल दिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, वी विल कंट्रोल इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हाँ साहब, आप बहुत क्लोज रहे जियाउल हक साहब के साथ, फिर उनका जहाज क्रैश हो गया, उसकी कभी कोई इन्वेस्टिगेशन की हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, फिक्स नहीं किया जा सका कि ये वाकया सानिया कैसे हुआ। मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सब पता था उस वक्त के कौन कौन सी ताकतें क्या चाहती हैं। क्या ख्याल है आपका कि कौन सी ताकत पर आप समझते हैं कि ब्लेम ज़्यादा डाला जा सकता है इस वाकये की जिम्मेदारी का? अमेरिकन। जियाउल हक जो अफगानिस्तान को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ये मुजाहिदीन और ये आ गए तमाम इस्लामिक वर्ल्ड से, ये सब चले गए, उनको ट्रेन भी किया, उनके पैसे भी दिए गए, सब कुछ हुआ। जियाउल हक वांटेड टू एक्सटेंड इट टू सेंट्रल एशिया जी। अच्छा। ही वांटेड टू एक्सटेंड इट टू सेंट्रल एशिया जी। अमेरिकन इससे घबरा गया जी, और उन्होंने अपने एम्बेसडर की कुर्बानी दे दी जी, क्योंकि वो जो जहाज था C-130, उसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी था जी। लेकिन वो सारी जो सिक्योरिटी थी वो तो पाकिस्तान आर्मी के पास थी, वहाँ पर तो अमेरिकन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। मैं आपको ये बताऊंगी, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता। ठीक है, ठीक है। ये जो उनका एम्बेसडर था पाकिस्तान में, जी जी, अमेरिका का, जी जी, मैं क्या हुआ था अमेरिका टूर पे, उसको मैंने टेलीफोन किया तो उसने कहा कि मेरे साथ खाना खाओ। उसने मुझे कहा तुम्हारी फौज के बगैर ये वाकया कभी नहीं हो सकता था जी, ये कभी नहीं हो सकता था जी, मैं नाम नहीं लूंगा जी। ठीक हो गया। अब एक दूसरा वाकया भी था, वो था जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती फैसला जिसके नतीजे में उन्हें फांसी दी गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको वो जो फैसला दिलवाया गया उसके पीछे भी अमेरिका था, कुछ लोग कहते हैं फ़ौज ने मारा, कुछ लोग कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो एक बड़े रूड आदमी थे, बड़े मगरूर थे, जिस तरीके से उन्होंने मामला को चलाया बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए। आपने उनका भी दौर बड़े करीब से देखा, व्हाट डू यू थिंक कि असल वजह क्या थी इस अदालती फैसले की? मेरा ख्याल है कि जुल्फिकार अली भुट्टो आइडियल आदमी था पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने के लिए, आइडियल मैन। मैंने किसिंजर की बातें सुनी हैं जी, वो कहता था कि इस आदमी का मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। अच्छा, बात यह है जी कि मीटिंग हुई ये जो मूवमेंट शुरू हो गई जी, जी, आईजीआई और भुट्टो के आपस में मूवमेंट शुरू हो गई थी, लेड बाय लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट एंड। अच्छा, तो ये तमाम जियाउल हक और बाकी सीनियर जनरल्स वो सब मीटिंग में बैठे हुए थे।
उन्होंने मीटिंग में कहा इसको प्रकार भुट्टो इफ यू कांट कंट्रोल दिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वी विल कंट्रोल इट वी विल कंट्रोल इट जी उन्होंने अपने प्लान का तो कैबिनेट में उसका इजहार किया जी सेना जी उसके बाद ये मिला उसको हफीज़ पीरज़ादा हफीज़ पीरज़ादा और जो जिसको लगाया टैलेंटेड अंकल टैलेंटेड कज़न मुमताज़ भुट्टो तो मुमताज़ भुट्टो को मुमताज़ भुट्टो ख़ुद मुझे कहता था मुमताज़ भुट्टो कहता था कि भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कहा ये हफीज़ पीरज़ादा कहता है कि नहीं जी हमने बिल्कुल मूवमेंट अब अंडर कंट्रोल है और ये है और वो है भुट्टो साहब ने कहा फैसला हो गया है और उसने कहा हमारे खिलाफ़ फैसला हो गया कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो वो हफीज़ पीरज़ादा को कहा कि ये जो इसको ले जाओ सखर और सखर में इंडस का ठंडा पानी जो है वो इसके सर के ऊपर डालो डैम फेलो डजंट अंडरस्टैंड कि पावर तो ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए